हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज वीडियो बात करने वाले हैं सत्य प्रेम की कथा के बारे में। कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा बॉक्स ऑफिस पे अब हिट और फ्लॉप घोषित हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही या फ्लॉप रही, कितना प्रॉफिट कमाया, सब कुछ डिटेल में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म को 2000 स्क्रीन में इंडिया में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो 65 करोड़ बजट था सत्य प्रेम की कथा का। इसके बाद 10 करोड़ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मिला के 75 करोड़ इसका एग्जैक्ट बजट था। इस फिल्म को हिट और फ्लॉप कब घोषित किया जाएगा तो आपको बता दूं कि ये फिल्म अगर 85 करोड़ को क्रॉस करती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट मानी जाएगी, और अगर ये 75 करोड़ को क्रॉस करती है तो ये फिल्म एवरेज कहलाएगी। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्रॉफिट कमा लिया था। इस फिल्म ने रिलीज से पहले अपने सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट से, नॉन थिएट्रिकल राइट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था, लेकिन वो सब इस फिल्म को हिट और फ्लॉप घोषित नहीं करता है। सिनेमा हॉल में जो कलेक्शन होता है वो फिल्म को हिट और फ्लॉप घोषित करता है। तो जब सत्य प्रेम की प्रेम कथा फिल्म रिलीज हुई थी तो इस मूवी ने अपने पहले दिन में कमाए थे 9 करोड़ 25 लाख, जो कि ठीक ठाक कमाई थी। कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म शहजादा से तो अच्छी ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन में इसने कमाए थे 7 करोड़ और तीसरे दिन में इसकी कमाई थी 10 करोड़ 10 लाख। दूसरे दिन में इसका कलेक्शन इसलिए कम हुआ था क्योंकि जब ये पहले दिन रिलीज हुई थी तो उस दिन बकरीद थी, फिर दूसरे दिन इसका कलेक्शन इसलिए गिर गया था, फिर तीसरे दिन 10 करोड़ 10 लाख, चौथे दिन में कमाए थे 12 करोड़ 15 लाख, पांचवें दिन में 4 करोड़ 21 लाख, छठवें दिन में 4 करोड़ 5 लाख, सातवें दिन में 3 करोड़ 45 लाख, फिर आठवें दिन में इसने कमाए थे 3 करोड़। तो धीरे धीरे करके कलेक्शन इसने किया था। अभी भी ये फिल्म सिनेमा हॉल में लगी है, कुछ स्क्रीन में थोड़ा बहुत कलेक्शन अभी भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि 33वें दिन में इसने कमाए थे 6 लाख, 34वें दिन में कमाए थे 6 लाख। इस मूवी का अभी इंडियन नेट कलेक्शन हो गया है 83 करोड़ 73 लाख। अभी भी ये कर रही है कलेक्शन, धीरे धीरे ये 84 से 85 करोड़ कमा लेगी इंडियन नेट कलेक्शन में। इस मूवी ने विदेशों से 26 करोड़ की कमाई करी थी। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन इसका था लगभग 99 करोड़ 65 लाख, जो कि 100 करोड़ हो जाएगा एक से दो दिन में, जो कि 100 करोड़ हो जाएगा लाइफ टाइम तक। इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था ग्रॉस में 125 करोड़ 65 लाख। तो भाई देख सकते हैं इस फिल्म का बजट था 75 करोड़, 125 करोड़ 65 लाख की कमाई करी थी इस मूवी ने। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट करार दिया गया है, अच्छी खासी कमाई करी है। पठान, तू झूठी मैं मक्कार, द केरला स्टोरी के बाद ये चौथी फिल्म बनी है जो बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है। तो कार्तिक आर्यन की जो पिछली फिल्म थी शहजादा, जो कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी, इसके बाद सत्य प्रेम की कथा से कार्तिक आर्यन ने फिर से कमबैक किया है, इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली है। इसके बाद इनकी आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो चंदू चैंपियन करके इनकी एक फिल्म आनी है कबीर खान के साथ। इसके बाद अनीश बाजमी के साथ भूल भुलैया 2 कर रहे हैं, भट्ट कैंप के साथ आशिकी 3 भी कर रहे हैं कार्तिक आर्यन की। तो ये तीन फिल्में इनकी आने वाली हैं। तो ये था वीडियो सत्य प्रेम की प्रेम कथा के बारे में। आप क्लियर हो चुके होंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो चुकी है। सुपर हिट नहीं हुई है, बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन हिट हो गई है, प्रॉफिट कमाया है, लॉस में नहीं हुआ है, ओटीटी से भी प्रॉफिट कमाया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स को लगभग 70 से 75 करोड़ का प्रॉफिट तो आराम से हुआ है इस फिल्म से। ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो।